तो आपका स्वागत है इस मेरे एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जियो के पुराने वाले प्लान्स कैसे कर सकते हैं। वो चाहे आपका जियो का कोई भी ओल्ड प्लान रहा हो, आप वो महंगे होने के बाद भी आज वही आप वही पुराने रेट पर आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है, ये मैंने आप कल रिचार्ज किया था 395 रुपये का। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, या 3 महीने बाद एक्सपायर होगा। ये मेरा पहला प्रूफ रहा है। मैं आपको दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ। ये एक मेरा रहा दूसरा प्रूफ, जिसे मैंने परसों किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लान 239 रुपये में 28 दिन के लिए। यहाँ पर 5GB दिख रहा है अनलिमिटेड, और 1.5GB वाला भी दिख रहा है। ये मेरा दूसरा हो गया। अभी मैं आपको तीसरा दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा तीसरा प्लान रहा जिसको मैंने आपको किया था। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने परसों किया था। आप यहाँ जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैं आपको एक लास्ट और मैं बताने जा रहा हूँ। ये मैंने फिर से किया था 25 जुलाई का। आप यहाँ पर डेट देख सकते होंगे, 25 जुलाई को किया था 395 वाला। आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 395 वाला जियो का नंबर है। या ट्रांजेक्शन आईडी आपको सबको, या ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जियो ओल्ड प्लान रिचार्ज आप कर कैसे पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना। तो मेरे पास अभी यहाँ पर है क्रोम ब्राउज़र, तो मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पर सर्च पे आपको सर्च कर लेना है जियो। और जियो की आपकी जो भी यहाँ पर पहली वेबसाइट आएगी, आपको यहाँ पर जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल आइकन। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ, ये प्रोफाइल आइकन। हमें यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे OTP से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करें। तो यहाँ पर मेरा माई जियो अकाउंट लॉगिन हो चुका। आप यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर देख सकते होंगे। तो आपको यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मेरे पास कोई अभी प्लान यहाँ पर नहीं आपको शो कर रहा होगा, नो एक्टिव प्लान। तो यहाँ पर आपको पहले क्लिक कर लेना है व्यू प्लान्स पर। तो आपको यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर दिख रहा होगा नो एक्टिव प्लान्स, आपको जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पर बहुत से यहाँ पर मिलेंगे, आपको न्यू रिचार्ज मिलेंगे जिनका रेट बढ़ चुका है। और मैं इस मेथड से आपको बताऊंगा जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें। आपको यहाँ पर पुराने ही रिचार्ज दिखेंगे। आप यहाँ पर नीचे भी स्क्रॉल कर लीजिए, आपको पुराने ही यहाँ पर नए प्लान ही दिखेंगे। मैं आगे बताऊँगा कि आपको पुराने प्लान्स कैसे रिचार्ज कर पाएंगे। आप यहाँ पर पहले देख लीजिए, आपको नीचे नहीं मिलेगा। आप जैसे 1.5GB वाला करते रहें, तो यहाँ पर 1.5GB वाले पर मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर 889 रुपये का आपको 84 दिन का मिल रहा है। और वही जब पुराना वाला था, वही 666 रुपये में 84 दिन के लिए मिलता था। ये देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर 666 वाला मिल रहा है, पर आपको यहाँ पर वैलिडिटी कम मिलेगी। जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, आपको यहाँ पर 84 दिन ही दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको कोई भी यहाँ पर 1GB वाले प्लान में आपको मैं दिखा देता हूँ। जो आप यहाँ पर 149 का डालते रहें 20 दिन के लिए, आप यहां पर देखिए 22 दिन के लिए आपको 209 रुपये चुकाना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले प्रोसेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आपको बता देना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होंगे थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे प्लान, सॉरी यहाँ पर मैं गलत फिल्टर्स पर आ गया। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देखते जा रहे हैं, यहाँ पर मैं अपना पहला अकाउंट साइन आउट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर स्किप कर दीजिएगा मेन पार्ट। तो यहाँ पर सॉरी भाइयों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर मेरा उस नंबर पर शो नहीं कर रहा था, पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू था। तो यहाँ पर मेरे दूसरे मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं था, मैंने वो मोबाइल नंबर लॉगिन किया है। तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं सेटिंग पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिस पर आपको यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा है अकाउंट सेटिंग, सर्विस सेटिंग, जियो पे सेटिंग। तो हमें यहाँ पर सर्विस सेटिंग पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर 4 5 ऑप्शन फिर से आप शो कर रहे होंगे,
डोंट डिस्टर्ब इंटरनेशनल रोमिंग सस्पेंड रिज्यूम पीओके कोड टैरिफ प्रोटेक्शन। तो हमें यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है टैरिफ प्रोटेक्शन पर। तो आपको यहाँ पर रिचार्ज महंगे वाले ही दिख रहे होंगे। तो आपको मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि थोड़ा सा भाई अगर रिचार्ज करना तो थोड़ा सा भाई वीडियो बड़ी हो सकती है, बाकी ये जो वीडियो रहेगी आपके 100% वर्क रहेगी, वर्किंग ट्रिक रहेगी। ये मैंने अभी तक 5 रिचार्ज अपने घर के मोबाइल के कर चुका हूँ जिनका प्लान एक्सपायर हो चुका है, मैंने कुछ दोस्तों को भी किए हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 डॉट्स या 3 डैश लाइन, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर जैसे करना है 1.5 GB वाला पुराना प्लान करते रहें तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं पहले 1.5 GB वाला प्लान दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 GB प्लान पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर सो प्लान्स पर क्लिक किया और आपको यहाँ पर फिर से सबसे टॉप में आपको न्यू वाले रेट्स से दिखेंगे। तो हमें पुराने रेट्स के लिए सबसे नीचे जाना होगा। यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप जैसे पहले करते रहें 200 रुपये में 199 रुपये में 23 दिन के लिए 1.5 GB डेटा, और इसके बाद आपको यहाँ ऊपर मैं थोड़ा सा कर देता हूँ 239 रुपये में, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 239 रुपये में 5G अनलिमिटेड डेटा और 28 दिन के लिए वो भी 1.5 GB वाला। और इस तरह आपके जो भी प्लान करते रहोगे आपको सबसे नीचे और आपको यहाँ पर ऊपर करने पर आपको मिल जाएंगे। ये मैंने अब बता दिया 1.5 GB के लिए। अब मैं बताता हूँ वह जो 1.5 GB वाले करते रहे हैं और 1 GB वाले करते रहे हैं और जो 395 वाला करते रहे हैं। तो हमें यहाँ पर फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया फिर से और हमें यहाँ पर 1.5 GB वाला क्लिक है। तो हमें यहाँ पर 1 GB वाला प्लान सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 GB वाला प्लान सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने 1.5 GB वाला हटा दिया। फिर हमें 100 प्लान्स पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर फिर से आपको दिख जाएगा 209 रुपये में, आपको यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप प्लान करते रहे 150 रुपये में 20 दिन वाला प्लान दिख गया और इसके ऊपर आपको फिर से 180 रुपये में 24 दिन के लिए मिल गया और आपको 209 रुपये में आपको मिल गया 28 दिन के लिए 1 GB वाला प्लान्स। इसी तरह आप 155 रुपये वाला भी होता रहा आप वो वाला भी प्लान कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 155 वाला करने के लिए आपको अफोर्डेबल पैक पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से 100 प्लान्स पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर 395 वाला प्लान्स मिल जाएगा और नीचे 155 वाला, जो आपको पुराने बेनिफिट्स जो मिलते रहे हैं ये रिचार्ज में भी आपको वही पुराना बेनिफिट्स ही मिलेगा। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको थोड़ी सी भाई वीडियो से हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।